5-6 साल से कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था जैसा मुझे सर ने दिया है। और इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया है कि मैं कुछ भी देख के ना फोन को कस्टमर आके बोलेगा कि सर ये हुआ है, तो मैं बिना खोले बता सकता हूँ कि सर आपके फोन में इतना फॉल्ट है और इतना खर्च आएगा। बिना खोले बता सकता हूँ कि सर आपके फोन में ये वाली ऐसी खराब हुई है, आप छोड़ के जाइए, मैं आधे घंटे में तैयार करके दे दूंगा आपको। इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है मुझे सर। पहली बात तो जो ये है कि मैंने 4 दिन लेट ज्वाइन किया है क्लास को, मेरे अभी 6 दिन ही हुए हैं क्लास को ज्वाइन किए। 2 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक कभी किसी ऐसी को निकाला नहीं और बिठाया नहीं है। और यहाँ आने के बाद आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ ये ऐसी निकाल के बिठा के दे सकता हूँ और मोबाइल को ऑन भी कर सकता हूँ। जो हमने सोच के आए थे उससे ज्यादा मिला यहाँ पे। अच्छा अच्छा देखिए हाँ। और सुजीत सर के बारे में हम कहना चाहते हैं स्पेशल थैंक्स। सुजीत सर बहुत अच्छे समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, मतलब जो अगर ना समझ भी हो वो भी समझ जाएगा, ऐसे समझ जाए। और मैं 10 साल से काम कर रहा था, लेकिन मेरे को प्रैक्टिकल मेरा हैंड अच्छा है, बट मेरा थ्योरी वीक था। लेकिन यहाँ में आने से मेरे को एक एक आईसी के एक एक बोर्ड के बारे में मेरे को जानकारी हुआ। अब मैं अब काम करूंगा तो 100% काम करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं जब फास्ट डे आया ना यहाँ पे, तो छोटा मोटा आईसी वगैरह मैं उठा लेता, लेकिन 3 दिन के बाद मैं सीपीयू उठा के रिबल करके और सेट को ऑन करके भी दिखाया था। अच्छा तो मुझे जब ही लग गया था जब मैं फर्स्ट टाइम आया था। अच्छा। सॉफ्टवेयर बेसिक सॉफ्टवेयर करने के लिए जब घर से फर्स्ट टाइम मिला, उनसे नॉलेज लिया, गेन किया, उसके बाद बहुत अच्छा फील हुआ अपना। जब दुकान पे बैठा मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं हूँ। अच्छा। पहले ऐसा लगता था मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर उसका फील हुआ मुझे कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। सॉफ्टवेयर वाले भरत सर का तो जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम है, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का तरीका है सॉफ्टवेयर का वो बहुत बेस्ट है। 100 सुनार के बदले 1 लोहार की चोट बहुत बड़ी होती है दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है एके इन्फो के टेक्निकल चैनल में। और यहाँ आपको दिखाने जा रहे हैं रिव्यू, और हमने आपको एक उदाहरण बताया 100 सुनार का 1 लोहार। तो हमारे साथ सुजीत सर है, जो कि सुजीत सर का फीडबैक जानेंगे। सर, सुजीत सर हेलो करिए, इधर दिखाइए, सुजीत सर है हमारे साथ। हाँ, तो सुजीत सर का अभी हम फीडबैक दिखाएंगे दोस्तों। अभी हमारे पास 10 साल कितने कब से बैच चल रहा है सर? 10 तारीख से चल रहा है, और आज डेट है दोस्तों 20 मार्च डेट है। तो आप देख सकते हैं कि 10 दिन हुआ है, और यहाँ पर किस इस महीने एक ही बैच होता है, एक महीने में कई कई महीने में 2 बैच भी होता है, तो उसके लिए अलग टीचर हैं यहाँ पर की लेवल वाइज। दूसरा सबसे बड़ा खूबी है हमारे इंस्टीट्यूट का कि हम लोग लेवल वाइज अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग टीचर प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप बहुत सारा ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां देखेंगे ना, जहां एक्सपर्ट बंदे भी उनके साथ बैठे हैं जिनको आयरन पकड़ना भी नहीं आता है। तो दोस्तों उससे इरिटेशन होता है, समय का बर्बादी होता है, टॉपिक से बच्चे भटक जाते हैं। तो हमारे पास कैसी सुविधा है कि अलग अलग कैंपस है और अलग अलग टीचर है लेवल वाइज। तो आज जिस क्लास में हुआ एमसेप का क्लासरूम है, और हमारे साथ है सुजीत सर, और सुजीत सर का आज हम फीडबैक देखेंगे। तो एक बार बताइए सर, हमारे पास कितने टीचर्स हैं जो सारे एक्सपीरियंस्ड हैं? सर मैं एजेड कोर्स लिया हूँ, मतलब ऑल कोर्स बेसिक से आया हूँ। यहाँ पे 8 से 10 टीचर हैं, और उसके अलावा अदर स्टाफ भी है यहाँ पे जी। तो एक बहुत बड़ी टीम है दोस्तों, ये बता रहे हैं। जैसे कहाँ से है आप नाम बताएंगे, दुकान का नाम बताइए। सर मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश से। अच्छा। एक बहुत ही छोटे से जिले से मंडला, जबलपुर से 200 किलोमीटर दूर है। मेरा नाम रजनीश भीमते है। तो रजनीश जी, आपको जबलपुर में भी बहुत सारा उधर भी इंस्टीट्यूट है, इधर क्यों आए, किनको क्या अच्छा लगा, और पिछले 10-20 दिनों का एक्सपीरियंस क्या है, ये बताइए जरा। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा सर, बेसिक क्लास भी हुई है मेरी और एडवांस भी हुआ है। सॉफ्टवेयर की विशेष क्लास हुई है। सॉफ्टवेयर वाले भरत सर का तो जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम है, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का तरीका है सॉफ्टवेयर का वो बहुत बेस्ट है। और सपोर्ट देने का तरीका उनका आपने देखा है सब? आप देखा है कैसे सपोर्ट दे रहे हैं पुराने बच्चों को? बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, और जो भी चाहिए आपको वहाँ से सॉफ्टवेयर वो सारे मिल रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे साथ हैं, और ये एमपी से आए हैं बहुत सारा इंस्टीट्यूट छोड़ करके, और बेसिक से ज्वाइन है, और टीचर बेसिक के क्लास के टीचर अलग होते हैं, इनका कैटेगरी उनके उनके स्टूडेंट उनके साथ जो बैठे हैं। कितने क्लास में बच्चे थे वहाँ पे आपके? हमारे क्लास में बहुत ज्यादा थे, नहीं आ रहे थे, तो 2 बैच बनाना पड़ा था। अच्छा अच्छा, नहीं ऊपर में जैसे 12-12 लड़कों का बैच था, कितने बच्चों का बैच था वहाँ पे? बेसिक में हम लोग 15 करीब थे। अच्छा, 15 लड़कों का बैच था, वहां से ये कम्पीट करके गए, फिर ट्रेसिंग में गए, कम्पीट करने के बाद सॉफ्टवेयर में गए, देन यहाँ पे आए। मतलब एक लेवल होता है, तो वो टीचर ट्रेनिंग देने का
ट्रेनिंग सॉरी टीचर का अपना एक लेवल होता है कैसे वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके साथ कि अब ये जो एमसेप कर रहे हैं कैसा फील कर रहे हैं, बताइए सर। सर पहले कंपोनेंट की जानकारी नहीं थी, कौन सा कंपोनेंट किस वर्क में आएगा, ये काम क्या करता है, बट अब यहाँ आने के बाद सर ने जो पढ़ाया है बताया है सुजीत सर, अब टीचर एक तो ऐसा है भाई, टीचर एक रास्ता दिखाएगा, वो घोल के तो पिला नहीं सकता किसी को, अब जिसके समझ में आएगा। और पहली बात एक अच्छी है सुजीत सर की कि वो जितने बार पूछोगे आप उतनी बार बता देंगे, मतलब आपको कभी मना नहीं करेंगे। नहीं वो तो मैंने भी देखा है, कभी गुस्सा होते हुए देखा नहीं है। नहीं वो उनके चेहरे में कभी नाराजगी आपको नहीं दिखेगी। इतना अच्छा, और क्या बोले उनके बारे में, पहाड़ खोद दिए हैं, रास्ता बनाना चालू कर दिए हैं। अच्छा वेरी गुड, तो यहाँ से जाने के बाद क्या क्या फायदा होगा आपको ये बताइए। फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, पहले की अपेक्षा हम पहले 5 साल से काम कर रहे थे तो 5% भी नहीं पता था, अब हमें आईसीयू की जानकारी हो गई है, सेक्शनों की जानकारी हो गई है, काम कैसे होते हैं, कितने वोल्टेज कहाँ मिलेंगे, वीसीसी वोल्टेज, पूरे वोल्टेज हमको पूरे पता हुआ है, अब हम काम कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस था, बावजूद इनका 5% का नॉलेज था, और आज बहुत सारा नॉलेज हो चुका है, और उम्मीद करते हैं ये बहुत बढ़िया कर पाएंगे। तो आपको क्या महसूस हो रहा है? सर मेरे को एक ही चीज महसूस हो रहा है, अगर एमपी से कोई आना चाहता है तो वो भी आ जाए। अच्छा। और अगर शॉपों में वहाँ मोबाइल ना बने तो मेरे पास लेके आए। बिल्कुल इनके पास लेके जाइए, और इनका दुकान का एड्रेस भी हम बता दे रहे हैं, कहाँ पे है शॉप आपकी? मेरी शॉप मंडलई में है सर, लालीपुर में। बिल्कुल इनका कॉन्फिडेंस है, आपका मोबाइल जो आपसे रिपेयर नहीं हो रहा है आप इनके पास जाइए और रिपेयर करवाइए। ठीक है दोस्तों, आप ठीक है, बहुत अच्छा लगा मिलकर। आप कहाँ से है सर? मुंबई से। अच्छा मुंबई से है, मुंबई से है दोस्त, क्या नाम है आपका? कुणाल नाम। कुणाल जी कब से कोर्स कर रहे हैं आप? मैं मेरा A to Z है मैं। अच्छा हाँ। कितना दिन से कोर्स कर रहा है? अभी मेरे को 30 दिन से ज्यादा हो गया दोस्तों, 30 दिन से ज्यादा हो गया। तो दोस्तों ख्याल आप रखिए, कई लोग सोचते हैं कि भाई 10 दिन में कोर्स हो जाएगा, 15 दिन में आप एक्सपर्ट हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप थोड़ा समय दीजिए, और इस समय देने के लिए आपको आपका फ्यूचर में काम आएगा। तो आपको क्या लगता है 30 दिन समय देके आपने अच्छा किया? हाँ मैं बहुत अच्छे से सीखा, पहले मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। 2-4-5 टीचर का नाम बताएंगे जो आपको अच्छा लगा, आपके सपोर्ट किया वो सारे लोग? हाँ भारत सर है, जैसे हसन सर है, उनसे अच्छा नॉलेज मिला। अच्छा अच्छे से सिखाया, उनका टेक्निक मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और सुजीत सर शहजाद सर। तो देखिए सर क्या होता है ना, एक बंदा को जो एक्सपर्ट होने में बहुत लोगों का हाथ होता है, और सुजीत सर का जो फिनिशिंग बैच इन्होंने निकाला या MZ ये जो MSAP कराया, ये इस तरह का क्लासेस है कि इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो कैसा लग रहा है अभी आपको, कैसा फील हो रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसा कुछ बताएंगे सर के बारे में, सुजीत सर के बारे में? सुजीत सर ने बहुत अच्छे सिखाते हैं, सब समझ में आ रहा है अभी। कोई सा भी हैंडसेट रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है धन्यवाद। आप कहाँ से हैं सर? सर नोएडा से। अच्छा नोएडा से है। नोएडा में बहुत पैसा है भाई, अगर अच्छे से काम किया जाए तो वहाँ पे प्राइस नहीं बल्कि ये पूछा जाता है कि कितना टाइम में मोबाइल बनेगा। तो अब कैसा लग रहा है, कौन सा कोर्स किया आपने यहाँ पे? सर मैंने बेसिक सॉफ्टवेयर और MSAP किया है। अच्छा बेसिक सॉफ्टवेयर। देखिए दोस्तों क्या होता है ना, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर में आपको प्रॉब्लम है तो हम वैसे ही करा देते हैं, लेकिन अगर आप एकदम जीरो लेवल से करना चाहते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इन्होंने अच्छा टाइम दिया होगा। कब से आप हैं यहाँ पे? सर पहले मैं आया था तो पहले मैं लगभग 20 दिन सॉफ्टवेयर गया था बेसिक, उसके बाद मैंने 1 महीने का गैप लिया। अच्छा फिर 1 महीने का गैप लेने के बाद फिर MSAP जो। बहुत अच्छा ट्रिक है, अगर आप 1 महीने का गैप लेकर के कोर्स करते हैं तो बेहतर रहेगा आपके लिए, मतलब आप अपने आप को सोच पाएंगे कि आपका क्या कमजोरी रहेगा, क्या क्या और करना है, कैसे करना है। तो आपको कैसा लग रहा है अभी यहाँ के बारे में बताइए, यहाँ टीचर्स के बारे में, यहाँ मैनेजमेंट के बारे में, क्लासेस के बारे में, यहाँ के फैसिलिटी के बारे में बता सकते हैं? सर बिल्कुल अच्छा, तो मुझे जब भी लग गया था जब मैं फर्स्ट टाइम आया था सॉफ्टवेयर बेसिक सॉफ्टवेयर करने के लिए, जब घर सर से फर्स्ट टाइम मिला, उनसे नॉलेज लिया, गेन किया, उसके बाद बहुत अच्छा फील हुआ अपने आप में। जब दुकान पे बैठा मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं हूँ। अच्छा। पहले ऐसा लगता था मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर उसका फील हुआ मुझे कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद फिर बहुत ही मतलब हलचल सी मची हुई थी कि सुजीत सर से कब मिलूंगा मैं। अच्छा बहुत बढ़िया। कब मिलूंगा और कब आएगा वो दिन, मतलब किसी भी चीज पे मतलब मन ही नहीं लगता।
तो ये ये जो हलचल था कि सुजीत सर से मिलना जैसे, तो वो सफल रहा आपका? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा सफल रहा, बहुत ज्यादा सफल रहा। दोस्तों इनके साथ हमेशा हम रहेंगे क्योंकि ये नोएडा से है और कभी आपके शॉप पे आएंगे भी। जी बिल्कुल सर, तो शॉप पे आएंगे भी। तो ये अभी अभी इन्होंने जो डिसीजन लिया कि बड़े आराम से कोर्स करना है, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि लोग कई लोग सोचते हैं 10 दिन में वो 30 मार्क खान हो जाएंगे, तो ऐसे भ्रम में ना रहे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो सोचते हैं 10 दिन में हम आपको एक्सपर्ट बना देंगे, ऐसा मत होइए। अगर आप पहले से एक्सपर्ट हैं, पहले से अच्छी जानकारी है, तो जाकर के आप 10-15 दिन में अच्छा कर सकते हैं, वरना फ्रेशर लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट फ्रेशर ही होंगे सॉफ्टवेयर में ना? जी फ्रेशर, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेशर। तो अब आप कर लेंगे, कितना परसेंट काम कर लेंगे? सर ज्यादा तो नहीं, तो लेकिन ये बोलते 70% हो जाएगा। अच्छा, इनका 70% जाते ही काम हो जाएगा और धीरे धीरे प्रोफेशनल आ जाएगा। आपको पता होगा हमारा सपोर्ट देने का तरीका, सर देखते हो सब, सर सपोर्ट सर बेस्ट है, बहुत बेस्ट सर। भरत सर अभी तक तो फिलहाल भरत सर का सपोर्ट लिया मैंने, बहुत सर बहुत ही ज्यादा। और इनके सर के क्लास में भी बहुत सारे कॉल्स वगैरह आते होंगे, कैसे सपोर्ट देते हैं देखा सर? हाँ बिल्कुल सर, पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं, जब भी कॉल आता है या फिर मैसेज आता है रिप्लाई करते हैं बिल्कुल। लेकिन इस सपोर्ट के अलावा भी हमारे पास एक सपोर्ट ग्रुप है और एक सपोर्ट की पूरी टीम है। इन सारे लोगों को मैं बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम पे बहुत अनोखा सपोर्ट टीम है जो कई सालों के मेहनत से बना है, तो वो भी इन लोगों को, सारे लोगों को मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो कहां से आप बताएंगे, कहां से आपका नाम क्या हुआ? तेलंगाना सर, माय नेम इज श्रीकेश। श्रीकेश सर, श्रीकेश जी है और इनकी शॉप है कितने साल से? 6 साल से। 6 साल से शॉप है और आज दिल्ली आना पड़ा और आज हमारे यहाँ ज्वाइन है। आज 10 दिन है लेकिन 10 दिन का फीडबैक जानते हैं दोस्तों कि कैसा फीडबैक है। वो 6 साल बनाम अभी 10 दिन में कैसा रहा, तो बताएंगे सर? सर मैंने 2 साल पहले ट्रेनो लिया चिपले वाले के लिए, बट उधर इतना नहीं अच्छा नहीं बोला सर। इधर इधर आने के बाद चिप लेवल के लिए सबसे फर्स्ट बोला सर ने। अच्छा, तो हिंदी बात करने में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है सर। तो आप ऐसा कीजिए अपने भाषा में बता दीजिए, क्योंकि कई लोग हमारे स्टेटस या यूट्यूब अपने भाषा में देखते हैं तो हम उसको लगाएंगे। आप बताइए अपने बारे में, अपने शौक के बारे में। मैंने पास से इतना अच्छा नहीं सीखा सर, पहले ट्रेनर हुआ लेकिन इतना फास्ट नहीं। आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी लैंग्वेज समझने वाले हमारे काफी फॉलोअर है। ओके सर, फर्स्ट में चला स्लो उन्नान, इकड़ वच्चिन तरह बाग स्पीड अ ఫస్ట్ లో నాకు కెపాసిటర్స్ గురించి కానీ రెసిస్టెన్స్ గురించి కానీ వేటి గురించి తెలియదు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సార్ స్టార్టింగ్ నుంచి బేసిక్ లెవెల్ నుంచి ఇక్కడ వరకు చెప్పారు. ఇప్పుడు 100% చేయగలుగుతా, ఏ ఫోన్ వచ్చినా 100% 99 కాదు 100% చేయగలుగుతా. సుజిత్ సార్ మేనేజ్ అవి కిత్తా సార్ కో దేకా, సుజిత్ సార్ బెస్ట్. ఓకే, बहुत सारे सर से मिले हैं और कई जगह ट्रेनिंग भी ले चुके हैं, करीब 2 जगह ट्रेनिंग ले चुके हैं, लेकिन सुजीत सर जैसा इनका मार्गदर्शन किसी ने नहीं कराया और उम्मीद करते हैं सर इनको पूरा हेल्प देते रहेंगे और आगे भी बताते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो सर आप बताएं कुछ। अच्छा, रविंदर जी है यूपी से और कितने साल से रिपेयर कर रहे हैं? 3 साल हो गए। कितना सर? 3 साल। 3 साल, तो आप बताएं जरा सर। वो इधर काम करते हैं तो होता नहीं था, कस्टमर भी कुछ नहीं था, जैसे उसका काम पूरा नहीं हुआ तो कस्टमर क्यों खुश होगा? तो उसका काम का भी नुकसान होता, हमारा भी दिमाग खराब के भाई तेरा काम किया सही से काम नहीं हुआ, कस्टमर लौट रहा है। हमने देखा कि सर बहुत अच्छे से कराते हैं, तो हमें आगे आएंगे करेंगे सर। लेके बात था क्या, जितना मेहनत करते जाओगे उतनी परफेक्ट हो जाओगे, या सर नहीं कि आप 4 दिन हो जाओगे, पर सर ने पूरा नॉलेज दिया है, डीपी दिया है, हम कर लेंगे सर। अच्छा, देखिए सर का कहना है कि इनका तो समय का नुकसान तो होता ही था, कस्टमर भी नाखुश होते थे, कस्टमर का भी नुकसान था। तो अब सुजीत सर के मिलने के बाद, इनसे क्लासेस लेने के बाद, और उम्मीद करते हैं कि पूरा काम आपका हो जाएगा, तो कितना परसेंट उम्मीद आप रखते हैं? सर मेरे को इतना पता है कि फोन आने के बाद जाएगा भी, तो जाएगा तो जहां तक वो होगा भी। वाह बहुत बढ़िया, एक बार सर के लिए ताली बजाई इनके कॉन्फिडेंस के लिए। कहना है कि इनके पास कोई मोबाइल आ गया ना तो वो जाएगा नहीं बिना रिपेयर हुए, तो बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस है। दोस्तों एक बात बताते थे कि आप चाहे जितना भी अच्छा ट्रेनिंग क्यों ना लिया हो, लेकिन आपका अपना कॉन्फिडेंस, आपका अपना जो मेहनत है वो भी बहुत बड़ा चीज होता है। बाकी जो रोल होता है जो इंस्टीट्यूट का या ऑर्गेनाइजेशन का या टीचर का, वो भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपका भी अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसे हमारे भाई साहब के पास है। थैंक यू। सर ने बताया नहीं कि कई लोग बोलते हैं भाई फोन डेड है, आईसी खराब है, पर सर कुछ खराब नहीं भी होता है, लेकिन फोन बहुत हल्की सी खराबी होती है, फोन हो जाता है। अच्छा, सर कुछ पता ही नहीं होता है जी। हाँ,
सर को बताया कि कैसे करना है। बिल्कुल, तो इनको सारा कुछ पता है और आज कॉन्फिडेंस है कि कौन मोबाइल बनेगा कौन नहीं बनेगा। जी सर, कंफर्म है। कंफर्म है सर। ऐसा होता है ना कि फोन में खराबी ऐसी खराबी तो है ही नहीं, लेकिन उल्टा खोले कर देते हैं। अच्छा, और फोल्ड कर देते हैं। तो सर ने कुछ ऐसा सिखाया कि आप खराब ना करो, बस बढ़िया से कर दो उसको, समझो कि उसमें है क्या, समझो फोन पहले, समझो क्या है क्या फिर उसको बनाओ। बहुत बढ़िया। आइए, आप कहाँ से हैं? कर्नाटका। कर्नाटका से। तो कितने साल से आप रिपेयर कर रहे हैं और यहाँ के बारे में बताइए, फीडबैक अपना, ट्रेनिंग के बारे में बताइए। सर बेस्ट है, सुजीत सर तो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो जितना भी हो बोल के बताते हैं। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है आपका, कितना परसेंट रिजल्ट बढ़ेगा, इनकम कितना बढ़ेगा? अभी तो कर लेंगे, फिर सर ने बताया कि जैसे करते रहोगे वैसे बढ़ते जाओगे। अच्छा, तो आपको यहाँ आने के बाद क्या यकीन हो रहा है कि हम लोग का जो सिस्टम है ट्रेनिंग देने का, या आपको जो आने वाले टाइम में सपोर्ट, या आने वाले टाइम में जो क्लासेस हम देते हैं, फ्री क्लासेस देते हैं, तो क्या आपको मिलेगा यहाँ आने के बाद? यकीन हो रहा है कि आगे चल के सपोर्ट मिलेगा आपको? मिलेगा सुजीत सर तो जरूर देंगे। अच्छा, ओके, थैंक यू। क्या बात है, मार्क्स वाले लोग ज्यादा है। इससे कोरोना ज्यादा हो गया ना फिर। तो आप कहाँ से हैं? सर मैं यूपी से। अच्छा, नाम क्या हुआ? मेरा नाम रिजवान है सर। रिजवान जी, तो रिजवान जी कितने साल से आप रिपेयर कर रहे हैं? 5-6 साल से कर रहा हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था जैसा मुझे सर ने दिया है, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया है कि मैं कुछ भी देख के ना फोन को, अगर कस्टमर आके बोलेगा कि सर ये हुआ है, तो मैं बिना खोले बता सकता हूँ कि सर आपके फोन में इतना फॉल्ट है और इतना खर्च आएगा। बिना खोले बता सकता हूँ कि सर आपके फोन में ये वाली ऐसी खराब हुई है, आप छोड़ के जाइए, मैं आधे घंटे में तैयार करके दे दूंगा आपको। इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है मुझे सर। बहुत बढ़िया, थोड़ा क्लैप दे दीजिए सर के लिए। सर की बात करें सर, वो इतने बेस्ट है। ऐसा मैं 10-12 दिन हो गए मेरे को, मैंने एमसीए किया था, तो सुबह में आते हैं सर और शाम को हमारे साथ में ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में गायब हो गए, उठ के चले गए आप कर लो तो मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। सर पूरे दिन यहाँ पे बैठे रहते हैं और इतने बिजी पर्सन है, उसके बावजूद भी मैंने ये देखा कि जिसका कॉल आता है, जिसका मैसेज आता है, बराबर रेगुलर और बराबर कॉल करके उसको बताते हैं कि भाई ऐसा करके आप चेक कर लो। पूरी सपोर्ट करते हैं सर, पूरी सपोर्ट करते हैं। जी जी सर, ये चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी कि मतलब जो स्टूडेंट्स जा चुके हैं उनको वो पूरा सपोर्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि सर इस चीज में कोई भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है कि चलो 10 दिन या महीना या 1.5 महीना, ये तो जितना नॉलेज मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है उतनी नई नई चीजें आती हैं, तो उसके लिए भी सर मतलब नई चीज भी बता देते हैं कि सर ये ऐसा करके देखो आप, ये चीजें हो जाती हैं। देखा सर आपने रिजवान जी का कॉन्फिडेंस कि भाई सर इतना कुछ जरूर बता दिए हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मोबाइल बनेगा नहीं बनेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या होता है, हम अभी सर से भी मिलाएंगे, इनका ट्रेनिंग देने का मकसद यही है कि भैया आपसे मोबाइल बना तो कैसे बना, नहीं बना तो क्यों नहीं बनेगा, ये चीजों का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो आप ये देख सकते हैं, तो आप कुछ मशवरा देना चाहेंगे जो लोग आना चाहते हैं यहाँ पे, या आने से हिचक रहे हो? नहीं सर, कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है, बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूट है। मैं मतलब वो जो सर है, तो आपको मतलब आपका ना टाइम वेस्ट होगा ना पैसे वेस्ट होंगे, कोई भी चीज आपकी वेस्ट नहीं जाएगी यहाँ पर, तो आप आ सकते हैं बिल्कुल बेझिझक होकर यहाँ पर। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू सर। आप कहाँ से हैं, क्या नाम हुआ बताइए? जयपुर से। सत्य नारायण जी है और जयपुर से है, और इनके बारे में इनसे फीडबैक जानेंगे, और जो भी बंदा जो जयपुर से है वो अगर देख रहे होंगे तो आप इनके पास भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप बताइए सर, आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ के बारे में? सर यहाँ आने के बाद मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, जी सर ने अच्छा ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान को अगर अपने को आगे बढ़ाना है तो जो उन्होंने ज्ञान दिया उसके अनुसार अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा अपने को फल मिलेगा। अच्छा, आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा, और जो ज्ञान मिला है ना उस आधार पे ये बहुत आगे निकलेंगे, ऐसा इनका कहना है। और कुछ बताना चाहेंगे सर? सुजीत सर अच्छे हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो, आप अमित जी हैं, तेलंगाना से हैं क्या? अमित, अच्छा सॉरी, हरमित जी हैं, तेलंगाना से हैं। कोई बात नहीं है, कट कट। ठीक है, आप भी जोर से बोल दीजिए। तिलक नगर से, हरमित सिंह नाम है। अच्छा, तिलक नगर से है, पास से है, काफी फायदा उठाएंगे, चलिए बीच आते रहेंगे बिना किराए का, है ना? तो दोस्तों जानते हैं कि इनसे जानते हैं कि कैसा फीडबैक रहा और कैसा काम कर रहे हैं और कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो आप बताइए सर। एक्चुअली सर मैं फ्रेशर हूँ। अच्छा, यहाँ पे ज्वाइन किया A to Z, फिर ये एमसेप में ज्वाइन किया मैंने,
पहले हसन सर ने पढ़ाया बेसिक, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल विक्राम सर ने, फिर ट्रेसिंग में दीपिका मैम ने करवाई, फिर उसके बाद भारत सर ने सॉफ्टवेयर करवाया, फिर यहाँ पे फिनिशिंग ब्रांची सर ने करवाया। तो दोस्तों आपने सुना कितना स्टेप से ये गुजरे है। और पूरा परिपक्वता तभी आती है जब विशेष कोई भी टॉपिक के लिए विशेष टीचर होते हैं। क्या होता है वो अपने ढंग से ट्रेनिंग देते हैं। कई बंदे ऐसे होते हैं ना जो उनको उनको उनके साथ रख दिया जाता है जिनके पास 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत ही अपने आप को गिल्ट फील कर करके उनके 10 दिन में कुछ ट्रेनिंग हो नहीं पाता है 20 दिनों में। तो आपको क्या लगता है हरप्रीत जी की ये जो आपका स्टेप रहा है इतना लॉन्ग स्टेप, ये क्या सही रहा आपके लिए? जी सर बिल्कुल सही रहा। पहले बहुत डाउट थे अपन, लेकिन ये यहाँ पे आके एकदम सब सारे डाउट क्लियर करते हुए तब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी सर वेरी गुड। तो इससे क्या होता है ना कि जो कम्युनिकेशन है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच होना चाहिए, जो सुजीत सर का जो स्टेटर है पढ़ाने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये 1 महीना ऑलमोस्ट और एक्स्ट्रा दिए होंगे, तो वैसे में अगर आप फ्रेशर हैं तो इस तरह का ही टाइम दे करके आप ट्रेनिंग ले, वरना ये 10-20 दिन के चक्कर में ना रहे, ये मेरा आज वीडियो का मकसद रहेगा। तो आप ओवरऑल आप बताएंगे यहाँ के मैनेजमेंट और सुजीत सर के बारे में। जी मैनेजमेंट बहुत सही है, सुजीत सर भी मतलब कूल है, एकदम कूल है, बिल्कुल बहुत कूल है, जो पूछो बताते हैं और एकदम इजी वे में बताते हैं, ज्यादा कुछ घुमा फिर आगे जिसे समझ आ जाए, बहुत मतलब इजी है, बहुत आसान तरीके से बताते हैं, सुजीत सर बहुत कूल है ऐसा कहना है। ठीक है थैंक यू, आप आते रहिएगा। हाँ देखिए आप लोग जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वो करते रहिए, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि अपने आप में बिजी रहिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है सर, तो कुछ वर्ड देना है क्या किसी को? दिया हुआ है ठीक है ठीक है। हाँ खुश रहिए खुश रहिए। तो आप बताएं अपने बारे में जानकारी दें, कहाँ से हैं, क्या नाम है? मैं पंजाब से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। अच्छा जी अमृतसर से आए हैं और ये अपने बारे में अनुभव बताएं। तो क्या पहले से आप प्रिपेयर कर रहे थे या अभी नया आपने स्टार्ट किया है? जी सर मैं पहले 4 साल से कर रहा था दुकान अपनी, लेकिन तभी मैं सिर्फ छोटा मोटा काम करता था, जैसे जैक वगैरह कर दिया, चैनल स्पीकर वगैरह चेंज कर दिया, इससे आगे कुछ नहीं। आईसी को मैंने कभी पहले शो कर भी नहीं सर देखा था, अब मुझे कॉन्फिडेंस है पूरा कि आईसी का काम कर। अभी आप क्या क्या कर लेते हैं? अभी सर मैं पावर आईसी कर सकता हूँ, ईएमसी आईसी भी काम कर सकता हूँ। अच्छा ये जितने भी मेमोरी आईसी वो काम कर सकते हैं, पावर आईसी छोटे मोटे सारे आईसी, ट्रैक्स वगैरह सिमेटिक वगैरह, ये कैसा सर? सिमेटिक सर बढ़िया बताते हैं सुजीत सर, बहुत सही ढंग से बताते हैं, जैसे बताते हैं सारा समझ आ जाता है। तो आपका क्या इम्प्रूवमेंट क्या दिख रहा है ये बताइए जरा। जैसे पहले सर मैं बस छोटा मोटा काम करता था, अभी मैं सारा और काम कर सकता हूँ सर, ऑन बोर्ड पे। ऑन बोर्ड पे आप काम कर सकते हैं, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। जी जी सर ऑन बोर्ड पे भी हमारे इसी लेवल पे काम कर सकते हैं। वेरी गुड सर, थैंक यू, बैठ जाइए। हेलो सर नमस्कार। तो आप सर बताएंगे कहाँ से हैं, नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम धीरेन कुमार है, मैं उड़ीसा से आया हूँ। अच्छा तो धीरेन जी आप बताएंगे यहाँ के बारे में कैसा अनुभव रहा या कैसा ट्रेनिंग रहा आपका? सर यहाँ पे अनुभव का बोले तो बहुत बढ़िया रहा, और इससे पहले मेरा 10 साल का दुकान था, लेकिन मैं 10 साल में ना सिर्फ फोल्डर चेंज करता था, स्पीकर माइक वगैरह चार्जिंग वगैरह ये सब चेंज करता था, लेकिन अपने अंदर कभी आईसी उठाने का लगाने का इसका कॉन्फिडेंट नहीं था, नहीं था। तो यहाँ पे आने के बाद ये 10 दिन में मेरे को इतना कॉन्फिडेंट आ गया, सबसे बड़ा चीज जो कॉन्फिडेंट नहीं था ये आ गया। अभी मेरे पास कोई भी सेट आएगा, जितना बड़ा सेट भी आएगा, मुझे पक्का मैं उसका आईसी निकाल के लगा दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम आया उसको मैं खुद रिपेयर कर दूंगा। लेकिन पहले क्या होता था कि प्रॉब्लम आया हमको कुछ पता नहीं चल रहा था, दूसरा जगह जाओ इधर उधर जाओ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो कॉन्फिडेंट जो सबसे अच्छा चीज है अपने अंदर जो कॉन्फिडेंट है वो कॉन्फिडेंट आ रहा है। तो जो सोच के आए थे वो हुआ अभी तक फिलहाल तो सब फुलफिल हो गया है, फुलफिल हो गया दोस्तों। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कोई अगर यहाँ पे आना चाहते हैं आपका वीडियो देखे, क्योंकि आप भी तो वीडियो देख के ही आए होंगे, तो वीडियो देख के आए होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का रिस्पांस लिया जाता है, या सुजीत सर कितना कितना सीरियस लेते हैं, या आपको आपको कितना अपने आप में बांध के रखते हैं, है ना? रिस्पांस तो एकदम 100 में से 99 बोलेंगे, क्योंकि 100 बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम बोलेंगे 100 में से 100 हमको मिला है। तो लेकिन बात ये कि सुजीत सर का सर एकदम मस्त है, और कोई भी आप प्रॉब्लम उनसे पूछेगा तो आराम से बता देते हैं,
जितनी बार भी पूछे उतनी बार बताते हैं ऐसा सर, जितनी बार भी हम पूछेंगे 10 बार भी पूछेंगे 10 बार भी वो बताएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ा बात। तो उड़ीसा में जो भी स्टूडेंट जो भी लोग आपको देख रहे होंगे या उड़िया उड़ीसा के बहुत सारे लोग बाहर भी रहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे उड़िया भाषा में, आप बताइए जरा। सर मो भाषा कह दो ओडिशा रू जदी के भी चाहू जो आसीबा पाई की त किछि चिंता करनी, आराम से पढ़े आसो, पूरा बिंदास काम करके जाओ, गोटे भी सेट कस्टमर को फेरेइबो नि, सबदक सेट काम करके दो, 10टा सेट दिन को आसा 10टा 10टा करके दो, पूरा 100% सक्सेस पाइबो। वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। हेलो हेलो, कहां से सर आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से, क्या नाम हुआ सर? रोहित नाम है सर। दोस्तों महाराष्ट्र का बहुत खास बात है कि हमारे हर मैच में 2, 4 और 5 लोग रहते ही रहते हैं, तो अभी हमारे साथ है रोहित जी, जिनका एक्सपीरियंस कितने साल है? 5-6 साल से मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं और आज दिल्ली बहुत ही आशा से यानी बहुत उम्मीद से दिल्ली आए हैं, तो रोहित जी से जानते हैं कि भाई ये उम्मीद क्या इनका पूरा हुआ? हाँ सर 100% पूरा हुआ, जो नॉलेज नहीं था तो अभी तक सब मिल गया है, अभी भी देखेंगे कब कम पड़ेगा तो आएंगे फिर से। बिल्कुल आएंगे, तो आपको लगता है कि अगर आप आएंगे तो हम आपको रोकेंगे, ऐसा कुछ इन्वायरमेंट आपने देखा है यहाँ पे या किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ हो? नहीं सर, जो अपडेट आता है तो सर बुला लेते हैं, आप केकेएम को बुला लेता है सबको, तो सही है सर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रोहित जी ने कहा कि भाई हमें पूरा उम्मीद है कि हमें फिर बुलाया जाएगा, और आप भी उम्मीद रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो चार्जेस लेते हैं वो आपके कोर्स का लेते हैं, और उस कोर्स से रिलेटेड जब भी कोई समस्या आती है आप बिल्कुल फ्री में बेहिचक आ सकते हैं। अभी भी कोई हमारे पुराने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो हमारे नंबर पे कॉल करके आ सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज उनको नहीं देना है। तो सर आप रोहित जी बता सकते हैं यहाँ के बारे में कैसा अनुभव रहा, यहाँ का मैनेजमेंट टीचर के बारे में? सर सर भी अच्छे है, हसन सर तो सबसे अच्छे है, बेसिक सिखाते हैं, पिक माम से ड्रेसिंग थोड़ी बहुत सीख ली, पर आधे में सुजीत सर से मिलना था आना था, इसीलिए मैं आधा छोड़ के नीचे आ गया, तो सुजीत सर से जो मिला तो सब कुछ मिला, सब कुछ मिला। वेरी गुड। तो देखिए सर एक सिस्टम है कि कैसे इनको ट्रेनिंग लेना है, किस लेवल वाइज लेना है, और इनका अब कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, तो क्या लगता है आप कितना काम कर पाएंगे, कितना इम्प्रूवमेंट आएगा आपके वर्क में? सर 99% इम्प्रूवमेंट आ गया है। अच्छा 99% इम्प्रूवमेंट आ गया, और आज 10वें दिन है, और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे ऐसी नहीं है कि क्लासेस आपका 10 दिन हो गया या 15 दिन हो गया तो आप घर जाइए, आपका जब तक आपका पूरा क्लियर नहीं हो आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि आप घर को जाइए, ऐसा बोला गया है क्या? नहीं सर। नहीं, ओके ओके, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ देखिए कुछ कहना चाहते हैं सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं जब फर्स्ट डे आया ना यहाँ पे तो छोटा मोटा आईसी वगैरह मैं उठा लेता, लेकिन 3 दिन के बाद मैं सीपीयू उठा के रिबल करके और सेट को ऑन करके भी दिखाया था सर को, जबकि 6 साल से आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। सर 10 साल से कुछ, अच्छा 10 साल से कुछ नहीं कर पा रहे थे, हमें फोल्डर वगैरह चेंज कर रहे थे, अच्छा ये आईसी वगैरह का काम नहीं कर रहे थे, तो 3 दिन में ये इम्प्रूव हुआ, तो आप सोचिए 10 दिन में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो दोस्तों आप बता रहे हैं कि भाई 3 दिन में जो इम्प्रूवमेंट हुआ ना ये पिछले 10 साल में नहीं हुआ था, तो आप सोच सकते हैं 10 दिन आज हुआ है तो क्या इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो बहुत अच्छा लगता है ये सुन करके, और मेरा भी हौसला बनता है, क्योंकि कई दफा क्या होता है ना हम लोग सिर्फ मेहनत पैसे के लिए नहीं करते हैं, इस नाम के लिए इस मकाम के लिए भी करते हैं। तो चलिए अगले स्टूडेंट से मिलते हैं। आप सर कहाँ से हैं? सर मैं आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, मेरा नाम नासिर है सर। तो नासिर जी से चलिए जानते हैं, अभी क्या मतलब आप फ्रेशर थे या फिर पहले भी? मैं 2 साल से ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। दो साल से काम कर रहे हैं नासिर जी हैं, और नासिर जी से जानते हैं कि इन 2 साल के बाद अभी इस 10 दिन में क्या क्या हुआ और कैसा परफॉर्म है और क्या क्या कर पा रहे हैं। तो नासिर जी जरा बताइए, आप अपने भाषा में भी बता सकते हैं या फिर आप पूरी जानकारी दे सकते हैं जैसे मर्जी हो। हाँ सर, पहली बात तो जो ये है कि मैंने 4 दिन लेट ज्वाइन किया है क्लास को, मेरे अभी 6 दिन ही हुए क्लास को ज्वाइन किए, 2 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक कभी किसी ऐसी को निकाला नहीं और बिठाया नहीं है, और यहाँ आने के बाद आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ ये ऐसी निकाल के बिठा के दे सकता हूँ और मोबाइल को ऑन भी कर सकता हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस आया है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये दोस्तों हेलो क्या हेलो आ रहा है आवाज? अच्छा उस समय नहीं, अभी नहीं आ रहा, लेकिन अभी नहीं आ रहा है, आ रहा है आ रहा है, चलिए ठीक है। तो
दोस्तों एक बात बताते हैं, आपको जानकारी हो जाए कि ये आईसी लगाना निकालना कोर्स नहीं होता है, बल्कि आपको मालूम होना चाहिए कि आईसी आप क्यों लगा रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है मोबाइल में, कैसे क्या प्रॉब्लम है, आपको कितना टाइम लगेगा रिपेयर करने में, कितना एस्टिमेट होना चाहिए, ये भी कोर्स में शामिल है। तो आपको क्या लगता है कि आप ये सारी चीजों का पकड़ हो गया, फॉल्ट फाइंडिंग, कैसे क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से उसकी जो सप्लाई जा रही है या मल्टीमीटर का यूज या और भी चीजें यहाँ पे बताई गई, तो उसके बारे में जरा बताइए। सर मैं तो ये नहीं कहूंगा कि हाँ 100% कर लूंगा, ये कहूंगा कि 50 से ऊपर, मैं तो 100% नहीं कहूंगा, 80 या 70% मैं फॉल्ट फाइंड कर लूंगा। जो भी मोबाइल आएगा मेरे पास जिस ही तरह का आएगा कर लूंगा। और जो यहाँ के बारे में एनवायरनमेंट के बारे में बताया, तो सर सार का तो कुछ पूछिए मत, 110% वो हर अपना सारा दम यहीं देते हैं हमको, हर चीज पढ़ाते हैं सिखाते हैं, जितने भी बार पूछो कभी गुस्सा नहीं होंगे, उतने ही कुल से बताएंगे, पहली बार जितने बार पूछेंगे हर बार उतने ही कुल से वैसे ही बताएंगे आपको, कभी भी गुस्सा नहीं होते। जो दूसरे इंस्टीट्यूट में देखते हैं एक दो बार पूछ लिया, अगर चार बार पूछ लिया पांच बार वो गुस्सा होंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है सर। मुझे ये बात बहुत पसंद है सुधीर सर। तो आपको एक और बात बता दें, आपने बोला कि 70% तक हम फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप 100% फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करेंगे आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। बैठ जाइए, नहीं जाने देंगे। कैसे जाने देंगे, हमारे पास अभी बैच ही नहीं है दोस्तों। बैच जो है हमारा पास अप्रैल में है, यानी मार्च में कोई बैच नहीं है, और अगर है भी तो वो दूसरे लेवल और बेसिक लेवल में होते हैं, वो अलग क्लासरूम में अलग टीचर हैं। तो सुधीर सर बिल्कुल फ्री है पूरे मार्च, तो आप बताइए सर। हाँ जाइए, आप कहाँ से हैं, आपका नाम? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, जंतु कुमार गुप्ता मेरा नाम है, और मैं 10 साल से काम कर रहा था, लेकिन मेरे को प्रैक्टिकल मेरा हैंड अच्छा है, बट मेरा थ्योरी वीक था, लेकिन यहाँ मैं आने से मेरे को एक एक आईसी के एक एक बोर्ड के बारे में मेरे को जानकारी हुआ। अब मैं अब काम करूंगा तो 100% काम करूंगा, अब मैं दुकान पे जाऊंगा तो मतलब कोई भी मोबाइल बिना बनाए नहीं जाने दूंगा। अच्छा देखिए दोस्तों, इनका जो ये बहुत दिनों से काम कर रहे थे, अब आवाज सही है? सही है, बहुत दिनों से काम कर रहे थे और 10 साल, कितने साल से? 10 साल से काम कर रहे थे, लेकिन इनके पास थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं था, ऐसा ज्ञान नहीं था कि ये मोबाइल बनेगा नहीं बनेगा, अगर नहीं बना तो क्यों नहीं बनेगा। मैं आईसी पे भी काम करता था, बट ना मेरे को ना रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी था, ना डायोड के बारे में जानकारी था, लेकिन यहाँ आया तो पूरा जानकारी मिला। और मैं बता दूं कि मैं एके इन्फो से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जब इंस्टीट्यूट नहीं था तब से मैं जुड़ा हुआ। अच्छा, अब बस विश्वास के साथ मैं आया था यहाँ पर कि मेरा जो मैं करने जा रहा हूँ मैं करके आऊंगा। बहुत अच्छा, तो दोस्तों आप इनका कॉन्फिडेंस देख सकते हैं। और कहाँ से हैं सर आप? मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से हैं और इनका कॉन्फिडेंस देख सकते हैं। और आपको यकीन मानिए, हम लोहारी संस्था और एक ही इन्फो इनके साथ हमेशा रहेगी, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है इनके साथ तो हमारे पास इस तरह का सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, जो कि पूरे इंडिया में किसी के पास भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है यहाँ का जो टीचर है, सपोर्ट सिस्टम है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी सुजीत सर, मतलब कोई भी सवाल का जवाब हम अपने मुस्कुराहट से देते हैं और बेहतरीन अंदाज से देते हैं, जो हमको दिमाग में हमारी मेमोरी में घुस जाता है। अच्छा, बताने का तरीका वैसा है ना? जी सर, ठीक है, थैंक यू। आप कहाँ से हैं? सर मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। हिमाचल प्रदेश से हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम पंकज कुमार है। पंकज जी कितने साल से आप रिपेयर कर रहे हैं? मैं सर रिपेयर में फ्रेशर हूँ, मतलब मैं पहले और कंपनी में काम करता था, तो अभी मतलब यहाँ पे आया हूँ इतने के लिए। कितने दिन से बेसिक से स्टार्ट है? कितने दिन हुए? 45 के दिन। तो पंकज जी फ्रेशर है, दूसरा कहीं जॉब कर रहे थे और जॉब को क्विट करके आज अपना कोर्स कर रहे हैं। आज 45 डे हो गया लगभग कम्प्लीट में है और इन्होंने सारा कोर्स किया है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, जिसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड एमसेप ये सारा कुछ है। थोड़ा सा बातचीत नहीं कीजिएगा, तो ये सारा कुछ है। तो इनका अनुभव कैसा रहा, ये इनसे जानते हैं कि कैसा रहा और यहाँ ट्रेनिंग में कैसा लगा और फ्यूचर में कैसे अपने आप को देखते हैं? यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा, मतलब पहले मेरे को कुछ नहीं आता था, अब मतलब मेरे को बेसिक से आईसी तक पूरा नॉलेज हो गया, पूरा आईसी प्रोग्रामिंग तक का नॉलेज है। दोस्तों आप देख सकते हैं, इसके पहले ना इस फील्ड में थे ही नहीं, क्या करते थे पहले? पहले मैं कंपनी में काम करता था,
क्या काम था? मैं मतलब मेरा सीएनसी का काम था, सीएनसी लाइन का। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। अभी F45 डे से ट्रेनिंग ले रहे हैं दोस्तों। हम ये कहना चाहते हैं अगर आप इस फील्ड में फ्रेशर है और चाहते हैं कि 10 से 15 दिन में आप हीरो बन जाए तो ये आप गलत फहमी में है। किसी भी इंस्टीट्यूट के इस तरह की बातों में ना पड़े, क्योंकि नॉलेज तो आपके पास हो जाता है लेकिन जब आप घर जाते हैं, जब आप दुकान जाते हैं तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको वही बताया जाता है जो आप नहीं जानते हैं, तो आपको लगता है आप बहुत कुछ जान चुके हैं। तो चीजें बहुत ऐसी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस के साथ जब आप करते हैं ना तो फ्रेशर बच्चे भी जैसे पंकज जी जैसे भी लोग एकदम कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं। तो आज ये बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, अपना बिजनेस करेंगे या जॉब भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा जॉब लग जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूरा संपूर्ण एजेड कोर्स किया है। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। हेलो, आप कहाँ से हैं? सर मैं ओडिशा से हूँ। ओडिशा से? जी। तो उड़ीसा बताएंगे आप कि उड़ीसा से आप आए, आपका आना यहाँ सफल रहा नहीं रहा, कितने साल से आप क्या रिपेयर कर रहे थे पहले या फिर फ्रेशर है? नहीं सर मैं पूरा फ्रेशर हूँ, पहले नौकरी करता था। अच्छा कौन सा जॉब करते थे सर? मास्क हटाएंगे, अच्छा लगेगा। स्टाइल आपका बहुत बढ़िया है, छिप जा रहा है। एक्चुअली क्या नाम होता है? गुप्तेश्वर जी हैं और ये बिल्कुल फ्रेशर हैं और उड़ीसा से हैं, तो अपने बारे में जरा बताएंगे। इसमें तो बहुत बेस्ट कैरियर है मोबाइल रिपेयर में, क्योंकि ये अपना जॉब छोड़ के आए हैं। क्या करते थे गुप्तेश्वर जी? सर मैं बिजली विभाग में था सर। अच्छा बिजली विभाग में थे और जॉब छोड़ करके इस बिजनेस में आए हैं, और अभी लगभग कितने दिनों से क्लास कर रहे हैं? सर मैं पूरा बेसिक से शुरू किया हूँ। कितने दिनों से कर रहे हैं? 2 महीना हो गया सर। 2 महीना हो गया और फुल डे क्लास होता है? फुल डे सर, फुल डे। फुल डे? फुल डे। एकदम गदर मच जाता है, शाम में खुद पनाह मांगते हैं कि अब मुझे घर जाना है, ऐसा क्या है बताइए? ऐसा ही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्होंने कोर्स किया और पूरा कोर्स किया है, और अब इनके पास कोई बहाने नहीं होंगे कस्टमर के साथ पास रोने का कि ये आईसी नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा लगेगा कि आपको ऐसा कुछ है? कभी नहीं सर, कभी नहीं, कभी नहीं। जैसे सिखाए हैं सर, हमें जिस तरह से ट्रेन किए हैं, सबसे बेस्ट सर, सबसे बेस्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल रिपेयर में बहुत कैरियर है, क्योंकि इन्होंने जॉब छोड़, बिजली विभाग में जॉब छोड़ करके और अभी अपना कैरियर का फिर से शुरुआत करें। तो आपको कैसा लग रहा है, इसमें कैसा इनकम है या कैसा फ्यूचर है? सर इनकम तो बढ़िया है, फ्यूचर भी बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और सर का ट्रेनिंग तो सर एक इंफोजेस्ट। अच्छा तो यहाँ कोई आना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि आप उड़िया में बताएं कुछ जानकारी दें जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बताइए। ये भी इच्छा गुरु जो मोबाइल रिपेयरिंग सीखा भाई तो के इनके को श्योर आसो कहीं ना इठी सब जो अगर सीखो चंदी बढ़िया प्लान पे सीखो चंदी बढ़िया अगर ट्रेनिंग सब बढ़िया अगर टीचर भी बेस्ट गोटे लेसन पाई गोटे टीचर था चंदी किसी प्रॉब्लम नहीं सब बेस्ट अच्छी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हम फीडबैक सारे स्टूडेंट से लेंगे, थोड़ा सा लंबा चलेगा तो अपना अपना जो क्लासेस है वो जारी रखिए। आप बताइए सर। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं, दिखाना भी चाहिए ना कितना सीखा है कितना नहीं। ये मैं EMCC वाला जो आईसी है ना वो उठा दिया था, मैं उठा लिया था कि देखता हूँ कि वो उठाने के बाद फिर काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, तो उठाने के टाइम वो छिड़का नहीं हो गया, उसका जो बॉल है ना प्रिंट उखड़ गया पूरा, तो मेरे को लगा डेड हो जाएगा। तो सर को लेके जाके पूछा कि वो कैसे हुआ क्या नहीं, सर बोले वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके बाद सर ने बोला कि उसके अंदर जम्पर मारो और जो जो ट्रैक उखड़ा है लगाओ, और लगाने के बाद मैं फिर से बिठाया, उसके बाद लगा के ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए सर के लिए क्लैप दीजिए बढ़िया सा। देखिए बड़ा बड़ा जबरदस्त खोपड़ा लगाया इन्होंने, बोला कि भाई ऐसे कैसे मान ले कि हम ट्रेंड हो गए हैं, तो इन्होंने अपना आईसी उखाड़ दिया, और उखाड़ते समय देखिए संयोग कि आईसी और बिगड़ भी गया, ट्रैक भी उखड़ गया। मेरे को पता नहीं था कि ऐसे उखड़ जाएगा, ट्रैक उखड़ जाएगा, लेकिन उखड़ने के बाद भी ऑन हो गया। मेरे को पहले भी पता नहीं था कि कैसे काम करते हैं क्या करते हैं, पहली बार में बीटेक भी किया है, जॉब नहीं हुआ था, जॉब नहीं मिला, मैं सोचा कि मोबाइल वगैरह वगैरह लैपटॉप
वगैरह वगैरह रिपेयर को सीखूंगा तो खुद का कमाई होगा किसी कंपनी की। दोस्तों क्या है ना, ये इन्होंने बीटेक भी किया है और जब जॉब नहीं लगा तो इन्होंने रास्ता चेंज किया और मोबाइल रिपेयर कोर्स किया। तो कितने दिनों से आप मोबाइल रिपेयर का कोर्स कर रहे हैं एक इन्फो में? 2 महीना हो गया दोस्तों, 2 महीना हो गया। जो आप ख्वाब पाल रहे हैं ना सर, कि 10 दिन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, गलत ख्वाब पाल रहे हैं। कई जगह लोग फंस भी जाते हैं और हर बैच में ऐसे में हमारे यहाँ लड़के आते हैं जो कई जगह से ट्रेनिंग ले चुके हैं। दोस्तों आप याद रखिए, जो हमारा एजेंट कोर्स है वो करने की कोशिश करें अगर आप फ्रेशर है। तो आप बताइए सर कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा देखिए आप, कैसा अनुभव रहा आपको यहाँ पे? सर मेरे को आईसी उठाने के दूर की बात है, कोई कंपोनेंट वगैरह वगैरह मेरे को भी मालूम नहीं था कैसे क्या करेंगे कि क्या करेंगे क्या कि नहीं। लेकिन अभी मैं ऑन बोर्ड पे उठा के बिठाता हूँ और फोन ऑन करके भी दिखाता हूँ कि ऑन हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया है, पूरा कॉन्फिडेंस आ गया और बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से? ओडिशा से। एक बार आप जरा उड़िया में बता दीजिए कि फ्रेशर लड़कों के लिए ये फील्ड कैसा है, उनका उनका जो है वो उनका कैरियर कैसा रहेगा और उनको यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ठीक है जी, आना चाहिए। लेकिन वहाँ पे ना जितना जो भी सामान चाहिए, डीसी मशीन या जो भी सारा सामान चाहिए सब देते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं। कैसे अच्छा काम होगा, सब अच्छे काम करेंगे, कैसे करेंगे क्या है सब देते हैं। ओके सब सारे है ना, और बहुत मेहनत करते हैं जो तो सारे बच्चे कैसे अच्छे तरीके से सीख के जाए वहाँ से और उनका नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्या होता है ना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट यहाँ का फीडबैक अच्छा दे करके जाए और हमें उस बात से ज्यादा खुशी मिलती है कि अगर आप सक्सेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं, और कुछ दिखाना चाहते हैं क्या? तो आप ऐसा कीजिए, 2 लाइन आप अपने भाषा में बताइए, हाँ उड़िया में, कि भाई कैसा लगा आपको यहाँ आके और स्टूडेंट को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मतलब बहुत भल लगेगा और मुझे भी जो ओडिशा और जितने जो मैंने शिक्षा पाई चाहूँ सब शिक्षा पाई चाहूँ आसतु आठ भल प्रकार ट्रेनिंग दिया हूँ आसिक शिखिक जातु आ भल कम कर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके। देख लीजिए, देखिए यहाँ दिखाइए। आ गया, बहुत बढ़िया। देखो अभी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बढ़िया। देखिए ये इन्होंने सोचा है भाई हम कैसे मान लें कि हमने ट्रेनिंग अच्छा ले लिया, तो इन्होंने डेड ही कर दिया। डेड के चक्कर में वहाँ डेड हो गया, ट्रैक भी हट गया ना जी सर। फिर आपको कैसे ऑन किया है इसमें आपने? जम्पर मारा आईसी के नीचे, जो 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 ट्रैक कटा था ना उसे जगह जम्पर मारा, फिर आईसी को रिवॉल्व करके फिर से बिठाया। आप यहाँ आने से पहले सच में बताइए, कभी सोचे थे कि आईसी के नीचे जम्पर मार देंगे? नहीं सर, नहीं सर, मैं सोचा नहीं था क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ ना पूरा। लेकिन अभी पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है, पूरा जो भी हो जाएगा जैसे भी होगा और मैं ठीक करके दे दूंगा, गर्दन मचाएंगे ना जी सर। हाँ? जी सर। तो बीटेक से बीटेक करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया था, क्या उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस अब आया या कम आया ये बताइए? ज्यादा आ गया है क्योंकि कुछ भी पता नहीं था ना, प्रेशर पूरा प्रेशर सोल्डिंग आयरन भी पकड़ना नहीं आता है। दोस्तों आप देख सकते हैं, इन्होंने बीटेक किया था, जॉब का प्रॉब्लम होने की वजह से ये मोबाइल रिपेयर का कोर्स किए और आज बीटेक से भी ज्यादा आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। क्योंकि बीटेक में क्या होता है ना, आप डिपेंड होते हैं जॉब पे, लेकिन इसमें ना जॉब पे भी डिपेंडेंसी है और बिजनेस पर भी, आपकी मर्जी आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। थैंक यू जी सर।